हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह का वायरलेस ईयरफोन खरीदना चाहिए। हालांकि हर ईयरफोन में प्रॉब्लम तो आती ही आती है, वो चाहे कितना भी महंगा हो, पर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी आपकी। तो मेरे पास सबसे पहले मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले ईयरफोन को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास स्कल कैंडी के इंक्ड और मैथड, ये मैथड मॉडल है, ये इंक्ड मॉडल है। तो ये मेरे पास सबसे ज़्यादा बनने के लिए आते हैं और ये तो कॉमन ही है, मेरे पास आते ही रहते हैं रिपेयर होने के लिए। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे पास क्या आई है कि इनमें एक साइड का स्पीकर चलना बंद हो गया या फिर दोनों साइड का स्पीकर चलना बंद हो गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है मेरे पास कि इसमें कोई ना कोई स्पीकर ज़्यादातर बंद ही होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, इस कॉर्नर से, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ती है वायर। यहाँ पे जब आप इसको यूज़ नहीं करते और वायर को ऐसे नीचे की तरफ छोड़ देते हैं तो ये वायर ऐसे ही लटकी रहती है। और आप जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से वायर बेंट हो रही है। इसके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं और आप जानते हैं अगर आप कॉपर को बार बार मोड़ेंगे तो उसके साथ क्या होगा। हालाँकि कंपनी वायर को ब्रेक से बचाने के लिए उसमें थ्रेड वगैरह डालती है, ये सब तामझाम करती रहती है, पर फिर भी इस ऐसे मॉडल्स में जो वायर की प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा है। और उसका रीज़न यही है कि ये जो है वायर यहाँ से बेंट होती है और बार बार होने की वजह से इसके अंदर से वायर ब्रेक हो जाती है और टूट जाती है। तो उसके बाद ये स्पीकर चलने बंद हो जाते हैं। इनमें स्पीकर ख़राब होने केसेस बहुत ही कम आते हैं, सिर्फ 1% चांस होता है। वायर की ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा आती है प्रॉब्लम। तो इस तरह का तो ईयरफोन आपको किसी भी ब्रांड में लेना नहीं है, चाहे बॉल्ट, स्कल कैंडी, सैमसंग, और लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब आपको लेना किस तरह का है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देख ली कि अगर किसी ईयरफोन में ऊपर की तरफ से वायर ऐसे डली हुई है इस तरीके से, तो और वो ऐसे गिरने के बाद मुड़ती है, तो इस तरह का तो ईयरफोन आपको ख़रीदना नहीं है। अवॉइड कीजिए उसको, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड जैसे सोनी, सैमसंग, तो अब जो है ऊपर से दे रही है वायर या फिर ऐसे दे रही है, वो यही रीज़न है उसको ऐसे वायर देने का, क्योंकि कंपनी ने ये रियलाइज़ किया जब रिप्लेसमेंट जाती है कंपनी के पास सर्विस सेंटर्स में, तो बहुत ही ज़्यादा रिप्लेसमेंट आने के बाद उनको लगता है कि हाँ ये फॉल्ट है इसके अंदर, तो वो उसको सुधार करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोट का जो ये 255 है, रॉकर्स 255, तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे से वायर है। अब ये बहुत ही सस्ता ईयरफोन है, मतलब वायरलेस ईयरफोन में सबसे बढ़िया और सस्ता यही है, पर इसमें भी कमी है, इसमें भी वायर की प्रॉब्लम आती है इस कॉर्नर से, क्योंकि इसकी वायर इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये लोग थोड़ा सा अच्छी वायर देते तो इस ईयरफोन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती। मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ वायर की कमी है, अदरवाइज़ बैटरी बैकअप, साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। बस वायर की कमी है और ये भी मेरे पास कॉमन हो गया है, ये बोट रोकर 255, किसी में प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोगों के पास भी इनमें से कोई ईयरफोन है और उसमें दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके पास, अब इसके बाद जो है रेंज में बता दूँ, इसके बाद ये इससे महंगा है, फिर स्कल कैंडी है, ये इंक्ड, उसके बाद ये सबसे महंगा है 4 से 4.5 हज़ार, ये 2.5 हज़ार के करीब का है, और ये 1500 से 2000 के करीब का है। अभी फ्लिपकार्ट मैंने चेक किया था तो शायद 1500 के आसपास दिखा रहा था, और ये है आपका 1200 रुपये का। तो इसको भी खरीद सकते हैं आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो, पर थोड़ा सा वायर की प्रॉब्लम आती है, अच्छे से यूज़ करेंगे तो थोड़ी कम आएगी, पर आती ही आती है प्रॉब्लम। तो अब आते हैं इसके ऊपर, तो रियलमी का वायरलेस ईयरबड इस वक्त में सबसे बढ़िया वायरलेस ईयरफोन मुझे ये लगा है। अगर आप मेरी माने तो आप फ्रीली इसको ले सकते हैं, वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें औरों के मुकाबले। मैं बता रहा हूँ ये जो सबसे महंगा ईयरफोन आप देख रहे हैं 4 साढ़े 4 हज़ार का, इससे ज़्यादा अच्छी वायर इसमें डली हुई है, ठीक है। और ये चूहने कुतरा हुआ है, मेरे पास जो दो रिपेयर होने के लिए आए हैं वो एक तो पूरा टूटा हुआ था, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, और ये चूहने कुतरा हुआ है, तो जोड़ने के चक्कर में जिसका था उसने इसको काट पीट के रख दिया और इसमें 4-5 वायर निकलने की वजह से वो जोड़ नहीं पाया। तो ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, चलिए मैं एक बार इसको निकाल के दिखा देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, और ये स्वेट प्रूफ भी है। अगर मैं इधर इसकी बात करूँ तो ये स्वेट प्रूफ नहीं है,
और इधर ये स्कल कैंडी का ये जो इंकड है ये भी स्वेट प्रूफ नहीं है, ये मेथड जो है ये स्वेट प्रूफ है, पर इतने महंगा लेने के आपके पास आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये ख़रीदिए। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, साउंड क्वालिटी भी मैंने देखा है काफ़ी अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं और कितना लाइट वेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ईयरफोन की रिपेयरिंग की वीडियो, ईयरफोन की वीडियोस तो आती रहेंगी और मेरे चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।